यूट्यूबर है हमारे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय बद्री, जय केदार। दोस्तों, आज वाल्मीकि दिवस के शुभ अवसर पर आज अवकाश है, तो सबसे पहले वाल्मीकि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग ये हमारे बड़े भाई, बड़े सर गोसाई जी हैं और पीछे नेगी जी हैं और बिल्कुल ये दक्ष राणा हैं और पीछे हमारे बड़े भाई कठेज जी हैं। दोस्तों, हम लोग जब छुट्टी होती है तो संभवतः हम लोग छुट्टी बिताने के लिए छोटा सा एक पिकनिक कर लेते हैं, फॉरेस्ट ट्रैक कह सकते हैं या जंगल ट्रैक कह सकते हैं। तो हम लोग छुट्टी के दिन क्या करते हैं कि बैजरों से गाड़ी से कभी पैदल फॉरेस्ट ट्रैक कर लेते हैं और चले जाते हैं एक दिन घूमने के लिए, और वहाँ पे जा करके अच्छे से खाना खुना बना करके उस दिन हम लोग दिन का खाना वहीं पे खाते हैं, बहुत बड़ा इंजॉय करते हैं। उसके बाद लौटते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो आज हमारे साथ नए मेहमान हैं गोसाई जी, शंभुतो गोसाई जी आज हमारे साथ। पहले ये जो हमारा एक छुट्टी के दिन जो घूमने का एक प्लानिंग होता है उसमें पहली बार शामिल हुए हैं और मुझे विश्वास है कि इनको आनंद आएगा और संभवतः आने वाले समय में ये खुद ही कहेंगे कि चलो राणा जी, कठेज जी, नेगी जी छुट्टी है तो आज घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जा रहे हैं भगवती तलिया, तो भगवती तलिया रास्ते में एक मंदिर है, तो कठेज जी ने कहा कि यहाँ पे एक मंदिर है तो दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन के उपरांत हम आपको जो हमारा आज का ट्रैक है, जो खाना पीने का हमारा एक आयोजन है, उसको हम लोग दिखाते रहेंगे। और ये हमारे कठेज जी आए, जय बद्री, जय केदार, ये बड़े भाई गोसाई सर जी। और ये नेगी जी हमारे बड़े खुश मिजाज के हैं, और देख लीजिए कितना सुंदर लोकेशन, वास्तव में बहुत अच्छा लोकेशन यहाँ पे, सुंदर सा मंदिर यहाँ पे, ये देख लीजिए। ओके, हम लोग मंदिर में पहुंच गए, ये सुंदर सा माता देखने कितना खुश होता है, और ये हमारे गोसाई सर। हेलो करो दक्ष, आप लोगों को दिख रहा होगा भगवती तलिया का कितना रमणीय स्थान है, और ये माता इसी मंदिर, इसी माता के नाम से इस स्थान का नाम, पवित्र स्थान दिया गया भगवती तलिया, जो कि माँ के नाम ही भगवती होती है, दुर्गा का नाम ही भगवती होती है, और इस माता के जो मंदिर हैं भगवती, इसी मंदिर के नाम से इस स्थान को एक शुभ स्थान का नाम दिया गया, जो नाम रखा गया भगवती तलिया। भगवती तलिया माँ भगवती के नाम से ही पड़ा है। ये सरदालो कठेज जी के गोसाई सर माता जी की पूजा करते हुए, ये नेगी जी, ये श्री गणेश, फाइनल हम लोग भगवती तलिया मंदिर में, जो कि मंदिर आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर, कि गांव के ऊपर ये मंदिर, और ये मंदिर माँ भगवती के लिए समर्पित, ये मंदिर माँ भगवती के लिए समर्पित है। माँ भगवती अर्थात माता का नाम, अलग अलग नाम होते हैं, तो इस माता का भगवती है, और इसी माँ के मंदिर, माता के नाम से ही इस गांव का नाम
ठीक सामने एक गांव दिख रहा होगा आपको कि इसी मंदिर, ये माँ भगवती के नाम से ही इस गांव का नाम, जो ये गांव देख रहे होंगे आप सामने, भगवती तलिया, माँ भगवती के नाम से ही इस गांव का नाम भगवती तलिया पड़ा। कितना सुंदर गांव दोस्तों। फाइनल हम लोगों ने माँ भगवती के दर्शन कर दिए हैं और दर्शन के उपरांत अब हम लोग हेलो करो यस 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 यस। कितना सुंदर, चार लोगों की टीम और एक हमारे साथ छोटा बच्चा, बहुत सुंदर जी। धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। अगर आप मना कर लेते तो संभवतः आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल भी हो सकता था, किंतु आपने हमारे सहमति में हामी भरी, उसके लिए आपका बकरी एक गाय और बकरी के गोटियार, कितना सुंदर लग रहा है। दक्षाला नहीं, जय गौ माता। बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र के लोग गाय का आज भी पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग पानी भर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे वहाँ पे पानी का स्रोत होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पानी यहीं से बोतल में भर लें, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत इस क्षेत्र में भी है। और ये हम लोग खाना बनाने के लिए पानी यहीं से भर रहे हैं। छोटी नदी जिसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा में गदेरा कहते हैं, कितना छल छलाती हुई, खलखलाती हुई, खलकती हुई आगे नदी प्रवाहित हो रही है। और कुछ कुछ क्षेत्रों में तो पानी की भी बहुत बड़ी किल्लत होती है, ऐसे नदियाँ, ऐसी छोटी छोटी नदी देखने को नहीं मिलती हैं, किंतु यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ तो हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पानी टूट जाता है या अपने जो मवेशियाँ होती हैं, गाय भैंस बकरी इत्यादि तमाम प्रकार के जो हमारे पालतू पशु होते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। कम से कम इस नदी, जो छोटी नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी से कम हमारे मवेशी, खेतों, तमाम प्रकार के कपड़े धोना, दैनिक क्रियाकलाप जो हम लोगों का होता है उसमें इस पानी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है। जिस क्षेत्र में नदी नहीं होती हैं या पानी की कमी होती है, तो वहाँ के लोगों को पूछो कि पानी की वास्तव में ज़रूरत क्या होती है। हम लोग पानी का महत्व नहीं देते हैं, किंतु पानी का अगर वास्तविक महत्व हम जाने तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। देख लें कितना सुंदर जल, कितना सुंदर पानी है, कितना शुद्ध पानी है। और यही पानी अगर हम दिल्ली में बात करें, कम से कम हमें एक गिलास वहाँ पे 10 रुपये का मिलता है, किंतु यहाँ पे शुद्ध जल प्रवाहित हो रही है, हम इसका महत्व नहीं समझ सकते हैं। किंतु सभी लोगों से, मेरा जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के जो भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं उस नदी को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें, ताकि ये नदियाँ हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक समूह के रूप में हो सकती है। फाइनल हम जंगलों के बीच में पहुँच गए हैं, जहाँ पे आज हम लोगों का छोटा सा पिकनिक मनाया जाएगा। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है और ये दक्ष है, दक्ष बहुत खुश है भाई, ये देख लीजिए। ये हमारे कठेज जी गंतव्य स्थान को साफ करते हुए, यहाँ पे लकड़ी भी काफ़ी मात्रा में है और यहीं पे आज हम लोग दिन का खाना बना करके एंजॉय करेंगे और यहीं से वापस। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये आखिर कटेसर ने खाना बनाने के लिए आग जला ही दिया,
और अब गोसाई जी को भी लगा कि वास्तव में यार कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है मिलजुल कर काम करने में, है ना। जैसे गांव में हम लोग घरों में शादी ब्याह या पार्टी या कुछ प्रोग्राम होता है तो मिलजुल कर काम करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता कोई बड़ा अधिकारी है या बड़ा है या छोटा है, है ना। हमारे समाज, विशेषकर मैं अपनी समाज की मैं बात करूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे समाज में होते हैं, किंतु जब जब समाज और एकजुट में काम करने की बारी आती है तो सारे लोग एकजुट होकर के काम करते हैं, उसमें कोई अधिकारी कोई नेता कोई छोटा नहीं बल्कि एकजुट होकर के काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गोसाई सर ने भी अपना एक मिसाल कायम किया कि एज यू एक प्रिंसिपल है, किंतु अभी कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बच्चा नहीं, बच्चा भी इनका स्टूडेंट भी यहाँ पर भी आ रखा है, तो ये बहुत मज़ा ले रहा है जी। देख लीजिए कितना सुंदर, आखिर आग जल ही गया। जिस आग को जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए हम लोग आए थे, हमने आखिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। दक्ष कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, जोर से बोलो, बोलो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, प्यार से बोलो, शेयर करो, लाइक करो और जी जी। बासमती चावल है, आज हम इसी का मजा लेंगे। चार लोगों को पार्टी चल रही है, चार एक आज वो कल गया, अभी पहले तो ये देख लीजिए, देहरादून बासमती है भैया, है ना, स्पेशल चावल देहरादून से मंगाया है जो मैं लेके आया हूँ। भूख लग रही, पर ये इसमें नहीं है, वो होगा यार, पानी राख है, राख को हम पहले जो नए बर्तन होते हैं अगर आग में खाना बनाते हैं तो पहले राख या मिट्टी का प्रयोग करते हैं ताकि हम जब हम लोग इसको मजाएंगे तो जल्दी से निकल जाता है, बर्तन काले नहीं होते हैं और सूखा जो राख होता है हल्का सा हाथ से छिड़क देते हैं ताकि जहाँ पे रिक्त स्थान होगी तो हो उसकी पूर्ति हो जाएगा। और ये बर्तन नीचे द्वारा लाया गया है, बिल्कुल देख रहे होंगे आग कितना सुंदर लग रहा है, आग का खाना खाने में देख रहे होंगे आप। गोसाई सर भी लगे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए या करने में, लहसुन छिल रहे ये लोग भी, और ये कटे सर प्याज छिल रहे हैं। और आज हम लोग आपको आज का जो मेन्यू है, मेन्यू में बता दूं कि आज हम लोगों ने चिकन मटन नहीं रखा है क्योंकि कटे सर ने नॉनवेज छोड़ दिया है, तो संभवतः जब एक व्यक्ति अगर नहीं खाता तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि, तो फाइनली हम लोगों ने आज पनीर की पार्टी का प्रोग्राम बनाया। और आज के हमारे दो नए मेहमान, सबसे छोटा मेहमान दक्ष राणा और सबसे बड़े साल भाई, बड़े बड़े भाई साहब गोसाई जी, और साल जी का धन्यवाद दे दो जी। नहीं जी मैं तो प्लानिंग दिखेगी जी जी जी, धन्यवाद, बेचारे लगे हुए हैं। अच्छा लगता है कि हमें मिलजुल करके खाने का, क्योंकि कल आप हम या अभी प्रॉपर बैजरों में सभी लोग हैं, कल हो सकता हम चमोली चले जाए, आप अपने पैठाणी चले जाए, नेगी जी हो सकता है यहीं बैजरों में अकेले रह जाए, ये एक यादगार पल है, है ना। और ये यादें हैं, हम इस यादें को कैद करने के लिए संभवतः यूट्यूब या वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब जो चैनल हैं उसमें पूंजी कर लेते हैं, तो ये संभवतः जब समय समय पर जब हम इस चीज़ को देखेंगे या इस वीडियो को देखेंगे समय परिवर्तन होने में, तो एक यादें हमारे इसमें कैद हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और संभवतः गोसाई जी, कल हमने गोसाई जी को एक बार बोला तो गोसाई जी ने सहमति दी, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों जो आप दक्ष के हाथों में देख रहे होंगे ये हमारी क्षेत्रीय भाषा में इसे श्योता कहते हैं, श्योता के जो अंदर बीज होते हैं ये बीज औषधि के रूप में भी, और इसके जो बीज होते हैं उसे तेल भी निकलता है और वो तेल
बहुत महंगा और औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और इसी के बीज आप लोग देखते होंगे कि जो बर्फी होती है, अच्छी महंगी महंगी मिठाई होती है, उसमें जख्या के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्यूता आज के टाइम में मैं आपको बात करूँ, आप अगर किसी भी पर्यटन क्षेत्र की ओर जाओगे, चाहे नैनीताल है, बद्रीनाथ धाम की ओर है, मसूरी है, तमाम क्षेत्रों में आपको समूह के माध्यम से इसका सुंदर आकृति अलग अलग रंगों के प्रयोग करने के पश्चात इसका सुंदर आकृति दिया जाएगी। ये जी पारंपरिक तरीके से लहसुन को ठेसते हुए कुर्ते तो सब बोलते हैं, ठेसते हुए पारंपरिक तरीके से ना, पारंपरिक तरीके से ठेसते हुए ये हमारे कठेज जी पनीर की कटिंग करते हुए बहुत अच्छे शेफ हैं, कटिंग मास्टर हैं। इनके हाथों के अगर आप लोग समय लगेगा तो जरूर, हाँ बिल्कुल सेव का मौका दे और अवश्य खा लें। बीच जंगल में फोन का आनंद लेते हुए जी मटर पनीर आज हम लोग बनाएंगे। ये देख रहे होंगे आप लोग मटर और पनीर, ये हरा धनिया, कहीं भी कोई भी कमी ना हो इसलिए टेस्ट कमी ना हमारे हो। बिल्कुल टेस्ट में कमी ना हो इसलिए हमारे जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने सारे सामग्री को यहाँ पे जंगल, बीच जंगल देख रहे होंगे, बीच जंगलों में हम लोग खाना पका रहे हैं। वहाँ तक इन्होंने जो घर में सामग्री उपलब्ध नहीं होती है वो सामग्री इन्होंने यहाँ पे उपलब्ध कराई। इसके लिए कोई तेल मटर पनीर बनाने की तैयारी में कढ़े जी और एक तेल नेगी जी दक्ष को ठंडा पिला रहे हैं भाई, थम्सअप पिलाने के बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लेते हुए और ये कठेज जी कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले रहे हैं। कठेज जी कैसा लग रहा है? फाइनल सारे काम निपटाने के बाद हम लोग ठंडा पी रहे हैं। अब मेरी ड्यूटी है अब पनीर बनाने की। नेगी जी और कठेज जी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे पानी है और पानी ला कर आएंगे, और अगर नहीं लाएंगे तो संभव तो हम लोगों का जो खाना है, खाने तो हो जाएगा लेकिन पीने के लिए पानी की कमी पड़ेगी। तो संभव तो नेगी जी और कठे जी अभी पानी लेने जाएंगे, मैं करूँगा अपने काम, देख रहे होंगे पनीर वाला काम मेरा रहेगा और नेगी जी और कठे जी पानी लेने जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। दक्ष हाई करो। ये दक्ष के कहनी छे तू के कहनी छे रे जंगलों के बीच में आनंद लेते हुए कितना मजा आ रहा था अच्छा। कैसा हुआ? अच्छा, गर्म गर्म हो गया तुझे? थोड़ा एक गाना सुना दे यार। ये फाइनल मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है और साथ में प्याज का ग्रेवी आप लोग देख रहे होंगे, और कितना सुन देख लीजिए थकान के बाद कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेते हुए, क्योंकि अभी कठे जी और नेगी जी लगभग आधा किलोमीटर आगे पानी लेने गए और गुसाई जी ये लकड़ी लेकर आए है ना, क्योंकि यहाँ पे हरे भरे जंगल है तो सूखी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, तो गुसाई जी भी काफ़ी दूर जा कर के दूसरा लकड़ी टिप के लाए। और ये हमारे गुसाई सर बड़े भाई और ये कठित जी दक के साथ मजा मजाक करते हुए, और नेगी जी ये हम लोग फाइनली पनीर बना रहे हैं और मसाला बन चुका है, और मसाला के बाद डालेंगे हम थोड़ी देर में, और ये थोड़ा हल्का सा मसाला पकाएंगे जिससे स्वाद थोड़ा दुगना बढ़ जाए है ना। जापानी खाना बन रहा है, फाइनल हम लोगों का मटर पनीर बन चुका है। उधर नेगी जी को दो, नेगी सर को दो, सर को भी दो।
एक, हाँ एक उधर सर के लिए लगाओ। हम लोगों का आज का डिश बन चुका है, ये कलर किल नहीं है, लोग हैं ठीक है, लाल मिर्च नहीं डाल दिया आपने, बाल भी ठीक है, सब खुदा आप खुदा है। ये कठेज जी पनीर को बाटने के लिए स्पेशल इनके हाथों से बना है, तो संभवतः स्वाद भी इन्हीं के हाथों से आएगा और बाटने का भी जिम्मेदारी इन्हीं का है। चलो जंगल में आज हम लोगों का पनीर पार्टी है, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ज़रूर हम मटन और कठी जी के लिए पनीर बनाएंगे, ये दक्ष के लिए और ये कठी। भगवान काना शिव शंकर का ससुर आज के हमारे बड़े भाई मेहमान के रूप में भी कह सकते हैं, मेहमान तो इसलिए कह रहे कि क्योंकि पहली बार हमारे साथ ऐसे आयोजन या जो जंगल ट्रैक हैं या पिकनिक है उसमें शामिल हुए हैं। तो मैं गोसाई सर बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा हमारा आज का आयोजन? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राणा जी आपका, जो ये लोगों तक ये वीडियो पहुँचा गया, और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सहयोग के लिए भी धन्यवाद राणा जी, सुखेत जी, नीगी जी, और हमारे छोटा सा दक्ष है, और ये पार्टी भी पहली बार आ रहा हूँ पार्टी में जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? आशा करता हूँ कि शायद और फ्यूचर में होता रहे कुछ ना कुछ। जी जी जी, है ना, सिंपल पार्टी है जी। धन्यवाद सर आपका। जैसे कि कल हम लोग आपको कह रहे थे कि सर पार्टी के लिए चलते पिकनिक, आप मना कर रहे थे, लेकिन हम भी सस्पेंस में थे कि हमें भी लगा कि अगर आप मना करेंगे तो संभवतः ये जो आज का पिकनिक है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपने सहमति दी तो उसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, कटे जी ने कहा था कि सर आप एक बार आएंगे तो बार बार कहोगे चलना है जी, शायद उनकी बात तो कभी मुझे लग रहा है कहने के साथ साथ होती हुई नजर आ रही है जी जी। मेन तो कटे जी बहुत व्यक्तित्व का धनी आदमी है, और मेरे छोटा भाई है नेगी, नेगी जी सर ध्यान केवल खाने पे है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा सा धन्यवाद राणा जी आपका, थोड़ा सा खाना हो जाए। वे ध्यान रख रहे हैं जंगलों का इस प्रकार से पूरे पूर्ण रूप से हमने यहाँ पे आपको भी बुझा दिया है, ये हमारे कठेज जी पूर्ण रूप से, और फाइनल हमने यहाँ पे आपको बुझा दिया, ये पानी डाल करके कम से कम 3 लीटर पानी हमने इस आग में डाल दिया, और ये फाइनल पूर्ण रूप से आग को बुझाते हुए फाइनली आग एकदम है, कम से कम 4-5 लीटर पानी डाल दिया। आने के बाद हम लोग अब घर की ओर निकल रहे हैं, ये सारे जितने हमारे साजो सामान हैं ये आप लोग देख रहे होंगे, घुसाइए के हाथों में कालीन, यहाँ पे गाड़ी फाइनल, ये देख लीजिए, लीजिए सर चाबी है, ये बंद हो, बिल्कुल बिल्कुल, और सारे लोग बैठने लग गए हैं, सामान गाड़ी में डाल रहे हैं, और फाइनल डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल दबाएं, लाइक करें, जो नीचे बटन है वो दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। अरे दोस्तों, फाइनल हम लोगों का आज का जो पिकनिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घर बैजरों की तरफ निकल रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, मिलेंगे हम आपको अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बाय।